हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में हमें हल्का फुल्का खाने का मन होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दबाजी में हमें ये समझ में नहीं आता कि हम रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने में ना तो आपको किसी तरह के आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही बेलने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के बिना ही आज हम बहुत ही हेल्दी प्लस टेस्टी नाश्ता तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट यानी कि मैसेज सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप तक पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटे वाला पोहा लिया है, आपके पास जिस तरह का भी पोहा हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम अपने पोहे को अच्छे से वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 कप तक पानी इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इस समय कोविड का टाइम है तो आपको अपने पोहे को अच्छे से वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो 1 से 2 पानी हम अपने पोहे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पोहे को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी ताकि हमारा जो पोहा है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाए। तो पानी आपको अपने पोहे के अकॉर्डिंग डालना है, जिस तरह का भी आप पोहा इस्तेमाल करें उसे फूलने के लिए जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो चलिए इसे हम फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोहा है वो बहुत ही अच्छे से फूल गया और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और अपने पोहे को हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको अपने पोहे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उतना ही पानी डालना है जितना कि पोहे आपके पानी को सोख कर लें और वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से हमने अपने सारे पोहे को मिक्सिंग जार में डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पोहे को अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि ये डो की शक्ल में है। इस तरह से आपको अपने पोहे को अच्छे से पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसे पीसने में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जितना आपके पोहे में पानी है उतने से ही ये पीस जाएगा और कुछ इस तरह का सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमारे पोहे का डो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना चावल का आटा। तो यहाँ पर अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर बेसन या फिर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना जीरा। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया। यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिया है नारियल का बुरादा और थोड़ी सी कटी हुई करी लीव्स। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें करी लीव्स। तो यहाँ पर मेरे पास करी लीव्स थी तो इसमें मैंने डाल दिया, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनट हमने डाला है। कोकोनट से हमारे जो नाश्ते का फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच आता है। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमें बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे पोहे में ऑलरेडी नमी है। तो सबसे पहले हम उस नमी से ही अपने डो को लगाएंगे, और अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका इस तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डो है अब वो धीरे धीरे करके बनने लगा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हमने नहीं किया है और हमारा जो डो है वो अच्छे से बन गया है। तो इस डो को आपको बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा डो अब नाश्ता बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें 1 छोटा चम्मच के जितना ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा जो नाश्ता है उसे बनाने में हाथों में ये बिल्कुल चिपके नहीं। तो अब इस तरह से हम अपने डो को 3 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें इसे 3 हिस्से में अच्छे से डिवाइड कर लेना है और इस तरह से हम 3 इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बैग को अच्छे से कट कर लिया है और इसे इस तरह का शेप दे दिया है। तो इस पर हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे और अब अपनी एक लोई को इस तरह से बीच में रखेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से टैप कर देंगे। तो अब इसे हम हाथों से ही इस तरह से बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए गोल आकार में इसे बना लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको ना तो बेलन चलाने की ज़रूरत है ना ही आटा गूंदने की, और ये हमारा नाश्ता अब रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ऑयल को हमें काफ़ी अच्छे से फैला देना है और अभी हमें गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने तैयार किए हुए नाश्ते को हम इस तरह से इस पे डाल देंगे। इसे आपको बहुत ही केयरफुली डालना है, तो इस तरह से हमें इसे इस पर इस तरह से डाल देना है और अपनी प्लास्टिक वाली शीट को इस तरह से इससे रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ईजली हो जाता है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से एक साइड कुक होने देंगे। तो इसे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि ये एक साइड से अच्छे से कुक ना हो जाए। जब ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसकी जो किनारे की साइड है वो अच्छे से रिमूव होने लगेंगी। तब आप एक चम्मच की हेल्प से इसकी किनारी साइड को अच्छे से निकाल दीजिएगा। इसके बाद हम इस तरह के बड़े साइज वाले चम्मच से इसे इस तरह से उठा लेंगे और फिर से हम 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल को अपने पैन पर इस तरह से डालेंगे ताकि जब हम अपने नाश्ते को दूसरी साइड कुक करें तो हमारा नाश्ता पैन में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इस तरह से हम 1 से 2 चम्मच के करीब तेल इसमें डालेंगे और अब एक दूसरे चम्मच की हेल्प से हम इसे इस तरह से पलटकर इसे दूसरी साइड भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस नाश्ते को कुक होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो इसे हमें दोनों साइड काफ़ी अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है और इसे हम 1 से 2 मिनट और अच्छे से इसी तरह से कुक करेंगे और हमारा जो पहला नाश्ता है अब वो बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे पोहे का पराठा भी बोल सकते हैं या फिर पोहे का चिल्ला भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब अपने पैन को फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इस पर हम दूसरा अपना तैयार किया हुआ नाश्ता डाल देंगे इस तरह से और अपनी पॉलीथीन को रिमूव कर लेंगे। अगर आपको पॉलीथीन वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा है तो आप इसे डायरेक्ट पैन पर भी अच्छे से सेव दे सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो सेव देने में थोड़े से कच्चे होते हैं, तो इसलिए उन्हें प्लास्टिक के पेपर पे अच्छे से शेप दे देना चाहिए, उसके बाद अपने तवे पर डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प ना हो और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो तो इसे आप ढककर कुक करें ताकि ये सॉफ्टली कुक हो। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे बिना ढक्कन के भी कुक कर सकते हैं। ढककर कुक करने से ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार है हमारे ये सॉफ्ट से पोहे के चिल्ले या फिर पराठे, जो भी आप इसे बोल लें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। देर किस बात की, फटाफट से इसे बनाइए और खाइए। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।